हेलो गाइस। सो यार, काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये क्वारी रहती है रिगार्डिंग द CUET PG एग्जामिनेशन की, भैया हमारे जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होने वाले हैं, यानी कि जो हमारी एग्जामिनेशन है वो कब होगी। सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तो जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ही कोई ठिकाना है नहीं। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, टिल जो है अभी सारा का सारा सीन करेक्शन विंडो 22 जुलाई तक ख़त्म हो रहा है। तो इसके पास जो है कोई भी ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है रिगार्डिंग द एक्सटेंड अगेन, कि अगेन एक्सटेंड हो जाए, लेकिन NTA का क्या भरोसा भैया, ठीक है वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि स्टूडेंट की भलाई के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है तो हम इसकी बहुत सराहना करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे परेशान भी है क्योंकि वो जो है ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पा रहे हैं। दिमाग से जो मसाला है उनका वो निकलता जा रहा है, भैया जल्दी से एग्ज़ाम ले लो, एग्ज़ाम ले लो, एग्ज़ाम ले लो, राइट। सो यार, जस्ट अगर मैं बात करूँ CUET के एग्ज़ाम डेट की, स्पेशली जो PG कैंडिडेट हैं उनकी, कब एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं और अब कब आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी तक भरे जा रहे हैं, 18 जुलाई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, जो 19 जुलाई तक आई थिंक आप पेमेंट कर सकते हैं, 20 से लेके 22 जुलाई तक जो आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने देखा होगा कि जो है आपकी UG के जो बैचेज हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जामिनेशन है वो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जामिनेशन है वो अभी भी चल रहे हैं। सो यार, जो है पहले की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो है पहले क्या होता था, पहले जो है दोनों एग्जामिनेशन साथ में हो जाते थे। जैसा कि अगर मैं 2020 सेशन की बात करूं तो जो दोनों एग्जामिनेशन है वो साथ में होते थे, जैसे कि UG के और PG के। लेकिन यार ऐसा जो है सेंटर्स कंडक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। पहले जो है CUET एंड सारी यूनिवर्सिटी अपना खुद का कंडक्ट कराती थी। CUET इस बार पहली बार हो रहा है, तो जो आपके पहले जो है UG के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो आपके PG के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो इसमें भी कुछ इश्यू आ रहा है। जैसे कि कुछ बीच में जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से एक बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। फिर जैसे UG के एग्ज़ाम आप मान के चलो अगस्त में टिल 15 तक, आप मान के चलो 15-16 जो भी डेट आई थिंक मुझे कंफर्म है नहीं, उसके बाद जो है 17 को नीट का एग्ज़ाम है शायद, ठीक है। एंड बीच में जो है 2-4 दिन जो है जो भी आपका GRF का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है, UGC नेट वगैरह उसका जो एग्ज़ाम आ चुका है, तो आपकी जो डेट निकल के आ रही है जो भी PG के कैंडिडेट्स हैं आपके, यार अगस्त के अंदर आप मान के चलो कि 18 के बाद ही आपके एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, अगस्त में 18 के बाद। और ये जो सारा का सारा सिस्टम है वो टिल सितंबर तक जाएगा गाइस, ठीक है, सितंबर तक जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं यार, आपको काफ़ी मौका मिल चुका है। अभी आपका जुलाई चल रहा है, जुलाई के जो है आपके पास 15 दिन पड़े हैं, अगस्त का महीने के पास आप मान सकते हो 20 दिन पड़े हैं, तो टोटली जो है आपके पास 1 महीने का टाइम, 1.5 महीने का टाइम आपको मिल चुका है, काफ़ी कुछ उखाड़ सकते हो, ठीक है। आप जो है एक काफ़ी अच्छा स्कोर करके काफ़ी अच्छे कॉलेज में DU जामिया BHU करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यही टाइम होता है, यही मोमेंट होता है पढ़ाई करने का, तो जस्ट खूब पढ़ते रहिए और छोटे भाई को प्यार कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो यार जस्ट रिमेंबर डेट कि आपके अगस्त के 20 के बाद ही एग्ज़ाम होंगे, 20 से पहले एग्ज़ाम होने के कोई भी चांसेस नहीं है। रियर केसेस में एग्जामिनेशन आपके PG के हो सकते हैं। आई एम वर्किंग दिस फील्ड इन लास्ट 3 ईयर्स एंड एज पर माई एक्सपीरियंस योर एग्जामिनेशन कंडक्टेड आफ्टर द टिल एंड टिल 20 अगस्त, ठीक है। और भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आप जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, न्यू सेशन के लिए जो हमारे CUET के कोर्सेज भी चल रहे हैं आप ज़रूर इनरोल कीजिए, ठीक है, काफ़ी अच्छी पढ़ा रही है हमारी फैकल्टी। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। वैसे काफ़ी अच्छे वीडियोज आजकल मैं बना लेता हूँ तो लाइक तो बनता ही है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।